हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ रेलवे जेई और टेक्नीशियन के स्टैंड बाय लिस्ट के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के, एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। और जानकारी यह है कि आज ही गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक आवेदन फॉर्म जारी किया है, जिसमें कि यह सूचना दी गई है कि 26 सितंबर 2022 तक, 26 सितंबर 2022 तक जो भी गोरखपुर बोर्ड के अभ्यर्थी हैं, जो स्टैंड बाई में रह गए हैं, जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, वैसे छात्रों के लिए यह सूचना है जेई और टेक्नीशियन दोनों के लिए कि वे, आप सभी जानते हैं कि ड्राइवर के सारे बोर्ड की स्टैंड बाई लिस्ट क्लियर कर दी जा चुकी है और टेक्नीशियंस के काफ़ी सारे 30% 40% के आसपास वेटिंग को क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा आपके जेई के भी काफ़ी सारे पदों के स्टैंड बाय लिस्ट को क्लियर किया गया है। उसके पश्चात बात रहती है कि बहुत सारे टेक्नीशियन के छात्र बचे हुए हैं, जेई के भी बचे हुए हैं, तो उसी संदर्भ में गोरखपुर का ये नोटिफिकेशन है। उस आवेदन फॉर्म के जरिए करना क्या है कि जो भी छात्र वेटिंग लिस्ट में हैं गोरखपुर बोर्ड में और उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, यानी उनकी पैनल में नाम अभी तक इम्पैनल्ड वो नहीं हुए हैं, तो वैसे लोगों को वह आवेदन फॉर्म भर करके उसे स्कैन करके एक ईमेल आईडी गोरखपुर बोर्ड का दिया गया है। उस ईमेल आईडी पे उसे 26 सितंबर 2022 तक शाम 5 बजे से पहले उसे भेज देना है और उसमें यह घोषणा पत्र है बेसिकली वह, और घोषणा पत्र है उसमें यह है कि आप इस बात की घोषणा करते हैं कि आप दोबारा रीमेडिकल जांच परीक्षा के लिए, दोबारा जांच परीक्षा के लिए, शारीरिक जांच परीक्षा के लिए आप तैयार हैं और उस शारीरिक जांच के आधार पर आपको अदर बोर्ड में रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिफ्ट किया जाएगा और वह भी आपसे पुष्टि कराई जाएगी कि पूरे भारतवर्ष में रेलवे में जहां भी आपकी उपयोगिता होगी आप उसमें जाने के लिए सहमत हैं, तो इस बात की भी आपसे पुष्टि करवाई जाएगी उस आवेदन फॉर्म के जरिए और आपके दोबारा शारीरिक परीक्षा के जांच की भी आपसे अनुमति ली जाएगी। अगर आप सहमत हैं तो आप उसको भर करके देंगे और जो छात्र भर कर भेजेंगे उन्हीं लोगों को दोबारा मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और वैसे ही छात्रों को डाइवर्जन करने के लिए रेलवे बोर्ड विचार करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हुआ है कि वो स्टैंड बाय लिस्ट में है और उनकी दूसरे विभाग में नौकरी लग चुकी है तो वो लोग अवेलेबल नहीं रह गए हैं इसके लिए, तो रेलवे बोर्ड अपनी उसी को, अपनी उस एनर्जी को बचाने के लिए चाह रहा है कि जो लोग नौकरी में चले गए या जिनकी चाहत नहीं है वो लोग नहीं भेजेंगे, तो निश्चित तौर पर रेलवे के पास काफ़ी सारे लोग ऐसे भी उसमें से होंगे पैनल में से जिसको कि रेलवे छांट देगा, यानी उसके लिए लोगों को कम करना आसान हो पाएगा। तो गोरखपुर बोर्ड ने यह प्रक्रिया शुरू की है, संभवतः आने वाले दिनों में आपको अदर बोर्ड से भी ऐसी सूचनाएं देखने को मिलेगी जहां की बचे हुए स्टैंड बाई टेक्नीशियन और जेई के छात्रों के लिए खुशखबरी वाली सूचनाएं हो सकती है और आपको भी अपने लिए खुशखबरी देखने को मिल सकता है, आपकी भी नौकरी हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी लोकसभा के द्वारा, संसद के द्वारा यह डिक्लेयर किया गया है कि 100% वेटिंग क्लियर होगा ही होगा और स्टैंड बाई कमिटी के मेंबर्स बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि बात हमने कह दी है और इस पर काम चल रहा है, चिंता मत करिए 100% हो जाएगा। तो हम लोगों को ऐसे भी इंतज़ार के सिवा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इंतज़ार ही करना है और इंतज़ार में इस साल के लास्ट तक, हमने आपको बार बार कहा है कि इस साल के अंत तक इंतज़ार करिए, काफ़ी कुछ फिगर्स जो है वह निश्चित तौर पर स्पष्ट हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होकर के हमारे सामने आ जाएगी कि नई वैकेंसी की क्या स्थिति है, कब तक बचे हुए वेटिंग क्लियर हो जाएंगे, कितनी क्लियर होंगे, क्लियर होगा भी या नहीं होगा, ये सारे आंकड़े साफ हो जाएंगे। और निश्चित तौर पर आप यह मानकर चलें कि जितना बचा हुआ उसमें से लगभग हर बोर्ड का टेक्नीशियन का क्लियर होगा ही होगा और जेई का भी 100% क्लियर का बात है, जेई का भी क्लियर होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए हमारे चैनल चंद्रा ट्रिकी जीएस, जो आपका अपना चैनल है, इस पर जुड़ जाएं, इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।